गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए आज हम क्लास 3 का हिंदी ग्रामर में पार्ट 4 संज्ञा का प्रश्न उत्तर करते हैं। बच्चों, आपने पहले इस पार्ट को पढ़ा है और समझा है, आइए आज पार्ट 4 संज्ञा से हम लोग संज्ञा का प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गाय, घड़ी आदि। हाँ बच्चों, आपका पहला प्रश्न है मैंने उसमें बोर्ड पे आपको बताया है कि संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे मैंने अपने खुद बनाया है। इसमें आपको उसी से संबंधित ये आपका बुक से दूसरा प्रश्न है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, सेब, पुस्तक। तो बच्चों, आप कंफ्यूज ना होंगे, एक ही क्वेश्चन है जो दो तरह से लिखा हुआ है और उसका आंसर मैंने अलग अलग तरह से आपको बताया है। तो आप इसे लिखेंगे भी कि संज्ञा किसे कहते हैं, और ये प्रश्न भी आप लिखेंगे इस तरह से। चलिए बच्चों, आगे बढ़ती हूँ। आपका अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उत्तर होगा, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। फिर से एक बार दोहरा देती हूँ, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उत्तर होगा, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संज्ञा के भेदों के नाम लिखें। संज्ञा के भेदों के नाम इस प्रकार है, पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इसको एक बार और दोहरा देती हूँ, संज्ञा के भेदों के नाम लिखें। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। आपका अगला है बच्चों, इन संज्ञा शब्दों के एक एक उदाहरण दीजिए। आपको संज्ञा शब्दों के एक एक उदाहरण देना है, जैसे प्राणी क्या होगा, तो प्राणी होगा आपका हाथी। उसी प्रकार व्यक्ति, व्यक्ति होगा, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, दीपक, राजा या खुद का भी नाम, आप व्यक्ति में आते हैं संज्ञा में। ग, वस्तु, वस्तु में मैंने बस लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, पेंसिल, कलम। स्थान, स्थान में मैंने दिल्ली लिखा है, इसके अलावा भी आप पटना, कोई भी स्थान का आप नाम लिख सकते हैं। तो इसको एक बार और देख लीजिए, इन संज्ञा शब्दों के एक एक उदाहरण लिखिए। प्राणी का होगा हाथी, व्यक्ति का होगा दीपक, वस्तु का होगा बस और स्थान का होगा दिल्ली। आपको इसमें से सही उत्तर चुनना है, इसमें से आपको सही जो है उस पे निशान लगाना है सही का। यह जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा जिससे पूरी जाति का बोध होता है। तो जया जो है नाम है और जयेश भी नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है बच्चों। तो जनता मतलब बहुत सारा आदमी, उसको बोलते हैं, तो ये आपका होगा जातिवाचक संज्ञा। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, आपको पता ही है कि व्यक्तिवाचक मतलब खुद को भी बोल सकते हैं। वीरू आपका नाम है, फिर वीर है और वीरता है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका है वीरू, क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए कुछ और भी करते हैं आप बुक से। फिर से मैं एक बार आपको बुक में दोहरा देती हूँ जो मैंने कॉपी में लिखा है, आप बुक में भी बना सकते हैं बच्चों। इन संज्ञा शब्दों के एक एक उदाहरण लिखे, जिसे मैंने कॉपी में भी लिखा था और मैं आपको बुक में भी बता रही हूँ। प्राणी होगा हाथी, वस्तु मैंने यहाँ पे पगड़ी लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं वस्तु का नाम। व्यक्ति दीपक और स्थान जयपुर। अब अगला है, इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए।
जो नाम है ना, जो संज्ञा है, वो उसके नीचे आपको रेखा खींचना है। पहला आपका हिरण भाग खड़ा हुआ, ये आपका संज्ञा है बच्चों, हिरण। दूसरा है मुझे रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला आपका संज्ञा है। लहंगा सुंदर है, लहंगा आपका संज्ञा है। दुकान बंद पड़ी थी, दुकान आपका संज्ञा है। वे जयपुर से लौटे, जयपुर संज्ञा है आपका। अगला है आप दिल्ली कब जाएंगे, तो संज्ञा शब्द आपका दिल्ली है। इसको एक बार और सुन लीजिए, हिरण भाग खड़ा हुआ, हिरण संज्ञा है। लहंगा सुंदर है, लहंगा संज्ञा है। वे जयपुर से लौटे, जयपुर संज्ञा है आपका। मुझे रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला संज्ञा है। दुकान बंद पड़ी थी, दुकान संज्ञा है। आप दिल्ली कब जाएंगे, दिल्ली संज्ञा है। अगला है आपका सही उत्तर चुनिए। पहला है यह जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जो मैंने आप दो कॉपी में भी आपके लिए किया था, अब इस बुक में भी देख लीजिए, जया, जहेज और जनता, तो ये आपका सही है, जातिवाचक संज्ञा है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, बीरू वीरता, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह भाववाचक संज्ञा शब्द है, डर डराना डरपोक, डरपोक आपका भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों आज आपने प्रश्न उत्तर को किया और बुक में भी किया, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।